हेलो ब्रांड, मेरा नाम है सुमंद्र मौर्य। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। ब्रांड, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे लेटेस्ट ओप्पो A1K के लेटेस्ट वर्जन CP8923 और उसके जो कलर OS वर्जन है 601 को आप लेटेस्ट वर्जन में कैसे अपडेट कर सकते हैं। साथ ही आप यहां पर उसके सिक्योरिटी पैच को लेटेस्ट अपडेट कैसे करेंगे, और यहां पर आपको जो लेटेस्ट अपडेट जो आया था लास्ट टाइम, यहाँ पर आपको सबसे नीचे मेंशन होकर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अक्टूबर 5, 2019 का आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो इसका जो नया अपडेट है आप उसको कैसे यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करेंगे, तो यहाँ पर जो इसका सिक्योरिटी पैड का जो अपडेट आया हुआ है उसको आपको कैसे अपडेट करना है। साथ ही यहाँ पर आपको यहाँ पर कैसे पता चलता है कि यहाँ पर जो अपडेट्स आ चुका है लेटेस्ट वर्जन मुझे अपडेट करना चाहिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने अपने होम स्क्रीन पर चले जाना है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, और होम स्क्रीन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको इस सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद नीचे जब आएंगे तो आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट्स का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर ये Notification 1 जो आ रहा है, तो यहाँ पर आपको इससे पता चल जाता है यहाँ पर अपडेट्स आ चुका है। और अपडेट्स क्या है, आपको कैसे पता चलेगा, क्या यहाँ पर फीचर्स आपको मिलते हैं, क्या क्या पैच अपडेट होते हैं, वहाँ पर आपको क्या जो इसका यहाँ पर इसके क्या लेटेस्ट अपडेट होंगे, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर डिटेल से पढ़ने के लिए मिल जाता है, और उसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं। तो वो अपडेट्स ऐसे भी हो सकते हैं, आपको मैसेज के जरिए हो सकते हैं, डिस्प्ले में चेंज हो सकता है, फंड में चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो अपडेट्स आते हैं, तो इसके लिए आपको अपडेट्स कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको जैसे मैंने बताया आपको होम स्क्रीन पर जाना है और सेटिंग के ऑप्शन में जाना है, उसके बाद स्क्रॉल करके यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट्स पर आ जाना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं उससे पहले आपका जो वर्जन है आपको क्या है, यहाँ इससे पहले क्या क्या अपडेट्स करने से पहले आप जाना चाहते हैं तो आपको बाद में पता चले, इसके लिए आपको अबाउट फ़ोन के ऑप्शन में आना है, और आपको यहाँ पर अपने फ़ोन का मॉडल, यहाँ पर डिवाइस नेम, कलर्स, वर्जन जो भी है, एंड्रॉयड वर्जन क्या है, यहाँ प्रोसेस क्या है, उसका रैम क्या है, तो आपको यहाँ पर सब देखने को मिल जाता है। डिवाइस स्टोरेज हो, चाहे वर्जन हो, या बेस वेंट वर्जन हो, या कर्नल वर्जन हो, तो यहाँ पर एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच का अपडेट्स आपको यहाँ पर डेट के साथ मेंशन मिल जाता है। लेकिन जब आपका नया अपडेट्स आता है तो आपको यहाँ पर अपडेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है जो आपके डिवाइस में यहाँ पर कुकीज वगैरह जब आप इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है जो आप यहाँ पर स्टोरेज है धीरे धीरे यहाँ पर डंप फाइलों से यहाँ से भरने लगता है, और इससे क्या होता है यहाँ पर जब आप अपडेट्स करते हैं तो ये ऐसी इस तरह की फाइलें हट जाती हैं, जिससे कि आपके जो मेमोरी का स्टोरेज है वो बढ़ जाता है, और आपके जो मोबाइल की कैपेसिटी होती है रन करने की वो बढ़ जाती है, और यहाँ पर बहुत ही स्मूथली वर्क करता है। आप कोई भी यहाँ पर इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं तो उसको बहुत ही स्मूथली यूज कर पाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपडेट्स के लिए आपको बताऊँ, इससे पहले आपको कुछ लोगों को पता होगा यहाँ पर अपडेट्स कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आज के इस वीडियो में आपको ये सीखने के लिए मिलेगा, और ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ पर जो भी मैं बता रहा हूँ वहाँ कुछ भी मिस ना हो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक कीजिए, और साथ ही बेल को दबाना ना भूलें, और ताकि आपको हमारे यहाँ पर लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलते रहें। तो चलिए यहाँ पर मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ और यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया आपको सेटिंग के ऑप्शन में आ जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन मिलता है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, और अबाउट के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है, और यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे आपको इसको यहाँ पर इस समय जब जैसे ही आप सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करेंगे तो उससे पहले आपको इंटरनेट को अपने ऑन कर लेना है, जब तक इंटरनेट ऑन नहीं होगा तब तक आप उसको अपडेट नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स करने के लिए जो आपका ये कंपनी की तरफ से अपडेट्स आता है, और आप जब चाहते हैं कि आपको और मतलब कस्टम में आप चाहते हैं कि कोई अपडेट्स करना चाहते हैं तो आप उसको कस्टम में भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर इस मॉडल का कस्टम अपडेट्स उठाना पड़ेगा आप जो चाहते हैं। तो यहाँ पर जो अपडेट्स आया है वो CP8923EX11825 का लेटेस्ट अपडेट है, जो 309 MB में आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन जो है वो है आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, और यहाँ पर नोट कुछ दे रहे हैं, यहाँ पर लर्न
तो यहाँ पर जो आपको अपग्रेड वगैरह है यहाँ पर सारी डिटेल मिल जाएगी, इसमें आपको क्या लेटेस्ट अपडेट दिया गया है। तो 309 MB का है, मैं इसको रन मोड में कर लेता हूँ। तो जो ये आपके फ़ोन की स्टेबिलिटी वगैरह है इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट करेगा, और जो अपडेट्स आया है वो आपका सिक्योरिटी का यहाँ पर आपको ये डिटेल में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ वेलकम दिस द अपग्रेड दिस वर्जन अपडेट्स द एंड्रॉयड 2019-11 सिक्योरिटी पैच इज द एनहेंस सिस्टम स्टेबिलिटी एंड मेक योर फोन मोर सिक्योर। तो यहाँ पर जो आपके फ़ोन को है काफ़ी ज़्यादा सिक्योर बनाता है, जिससे कि आप यूज करने में काफ़ी अच्छा होगा। आपकी कोई भी जो डिटेल है, इंफॉर्मेशन है, वो यहाँ पर किसी तरह से आप लीक नहीं होगी और सेफ रहेगी। तो जो यहाँ पर आपको जो पैच अपडेट दिख रहा है, तो यहाँ पर नवंबर 2019 का जो दिखाए रहे हैं, तो उसको बैक कर देता हूँ मैं, और एक बार आपको बैक और करना है। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड लगा देना है और इंटरनेट ऑन रखना है, मैंने बताया है आपको। तो इसके लिए आपको डाउनलोड यहाँ पर ग्रीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस ग्रीन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर 309 MB है, यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ, और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगा, टैब आएगा, यहाँ पर लिखा होगा यू आर यूजिंग द मोबाइल डाटा नेटवर्क डाउनलोडिंग अपडेट्स पैकेज विल बी कंज्यूम मोबाइल डाटा। तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल का डाटा यूज करना चाहते हैं, नहीं तो आप वाईफाई यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी पर्सनल सिम का डाटा अपडेट यहाँ पर ऑन रखूँ, तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है, और कंटिन्यू करने के बाद आपको ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर 1.36 ऐसे यहाँ पर अपडेट्स होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ये 100% तक जाएगा, और 100% होने के बाद यहाँ पर जो आपका सिस्टम है एक बार रीस्टार्ट मांगेगा। तो यहाँ पर रीबूट होने के बाद जो आपकी जो फाइलें हैं, डम फाइलें हैं, और कुकीज़ वगैरह जो जैसे फाइलें हो जाती हैं इकट्ठी, वो सारे रिमूव हो जाएंगे, और आपका जो स्टोरेज है यहाँ पर खाली हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यहाँ पर 100% होने तक आपको जब वेट करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जब सिस्टम अपडेट होगा तो आपको किसी भी तरह का बटन नहीं दबाना है, और उसको यहाँ पर जितना टाइम लेता है कम से कम 10 मिनट लेगा, आपका जो मोबाइल है यहाँ पर ऑटो रिस्टार्ट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अभी 14% ही हुआ है, तो यहाँ पर मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा। तो फ्रेंड अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 32% हो चुका है, अभी थोड़ा सा और टाइम लेने वाला है। जब तक कि यहाँ पर ये अपडेट्स हो रहा है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको कॉर्नर पर यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया आप कस्टम कैसे यहाँ पर करेंगे, यहाँ देखो ऑटो अपडेट का आपको ऑप्शन मिल रहा है ओवरनाइट का। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी अपडेट आए भविष्य में वो अपने आप से यहाँ पर अपडेट हो, और आपको यहाँ पर अपडेट करने की जरूरत ना हो, आपके लिए नोटिफिकेशन ना मिले और डायरेक्टली वो अपडेट हो जाए, तो आपको यहाँ पर इसे ऑन कर देना है, और ऑन करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। लेकिन मैं अभी आपको क्लिक नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपका अपडेट है वो अभी यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, तो जब हो जाएगा उसके लिए हम नेक्स्ट भविष्य के लिए यहाँ पर जो है इसको ऑन कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर जब भी अपडेट आएगा तो अपने आप से कंटिन्यू अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको बैक कर देता हूँ, और यहाँ पर जो डाउनलोड हो रहा है उसी ऑप्शन पर आ जाते हैं। तो थोड़ा सा और वेट करते हैं, जब ये 100% हो जाएगा तो उसके बाद जो मैंने प्रोसेस बताया सेम वैसे ही वर्क करेगा ये। तो फ्रेंड यहाँ पर लगभग यहाँ पर 100% डाउनलोड होने वाला है, 98.2% हो गए। तो यहाँ पर ये 100% होते ही आपका जो मोबाइल है एक बार रीबूट होगा यहाँ पर, तो इसके लिए 99.2 हो गए। उसके बाद यहाँ पर आपका फ़ोन रिस्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर वेट करना है, और इसके बीच में आपको कोई भी बटन नहीं दबाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जैसे ही 99.8 और ये अपडेट हो चुका है, तो यहाँ पर अगर ऑटो में यहाँ पर कर देता तो यहाँ पर डाउनलोड होते ही ऑटो अपडेट होने लगता, लेकिन यहाँ पर डाउनलोड हो गया है, आपकी परमिशन चाहिए, तो यहाँ पर आपको अपडेट नाउ कर देना है, कंप्लीट डाउनलोड हो गया है नीचे लिखा हुआ आ रहा है, और उसके बाद आपको अपडेट नाउ पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही आपको वेरीफाई करेगा ये, वेरीफाई के बाद यहाँ पर आपका जो मोबाइल है रिस्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर वेरीफाई के लिए थोड़ा सा फ्यू टाइम लेगा, और यहाँ पर जो आपका कंपनी का मोबाइल है वो यहाँ पर आपको लोगो दिखाई दिया था, और उसके बाद ये फिर से यहाँ पर रिस्टार्ट हुआ है, और यहाँ पर आपको पावर वाइड जो दिखा रहा है एंड्रॉयड ओप्पो इस तरह से आ जाएगा, और उसके बाद जो प्रोसेस है नेक्स्ट वो लेवल पर अपने आप जाने लगेगा। तो यहाँ पर आपको वेट करना है उसके लिए, और इस तरह से यहाँ पर अपडेटिंग प्लीज़ वेट, तो यहाँ पर लिख के भी आ रहा है मैसेज प्लीज़ डोंट
डू एनी अदर ऑपरेशन। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर वेट करना है थोड़ा, और यहाँ पर ये अपडेट होने में लगभग 4 मिनट लेगा। ये टाइम भी लिख के आ गया है यहाँ, एस्टिमेट टाइम टाइमिंग इज़ द 4 मिनट्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, और उसके बाद जो लाइन आपको वाइट कलर की दिखाई दे रही है वो आगे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जब ये पूरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी लास्ट तक, तो यहाँ पर ये अपडेट हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर जो अपडेटिंग है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर वाइट लाइन आपको बिल्कुल लास्ट बॉर्डर पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये जैसे ही बॉर्डर कंप्लीट कर लेती है और यहाँ पर वाइट लाइन पूरी हो जाती है, तो उसके बाद आपका मोबाइल है वो एक बार यहाँ पर रिस्टार्ट होगा। तो रिस्टार्ट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है, बस फ्यू मिनट लग रहा है यहाँ पर। उसके बाद आपका जो अपडेटिंग है वो मोबाइल का कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आप देख रहे हैं वाइट लाइन कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पर आपका जो मोबाइल है फिर से रिबूट हो रहा है। पहले यहाँ पर रिस्टार्ट होगा, और रिस्टार्ट होने के बाद आप उसको नॉर्मली यूज़ कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर प्रोसेस दिख रहा है नीचे होते हुए। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख रहे हैं कम्प्लीटली यहाँ पर आपका जो वर्जन है अपडेट हो चुका है। तो आपने जो यहाँ पर स्क्रीन लॉक पासवर्ड दे रखा है आपको उसको यहाँ पर डाल देना है। तो मैंने नॉर्मली यहाँ आपको दिखाने के लिए एक पासवर्ड डाल दिया है, तो उसे मैं अनलॉक कर देता हूँ। और जैसे ही यहाँ पर मैं अनलॉक करता हूँ तो डिवाइस अनलॉक हो जाएगी यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डिवाइस अनलॉक हो चुकी है, और आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है, और यहाँ पर आपको चेक भी करना है कि आपका जो वर्जन आपने अपडेट किया है वो यहाँ पर अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसको चेक करने के लिए आपको जाना कहाँ पड़ेगा, तो आप जब उसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट्स का, तो यहाँ पर तो अपडेट्स हो चुका है, मगर आपको अबाउट फ़ोन के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको चेक करना है। तो यहाँ पर अबाउट ऑप्शन पर जाने के बाद जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो CPH 1923 का जो लेटेस्ट पैच अपडेट है, तो यहाँ पर एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच का जो नवंबर 5 का जो लेटेस्ट अपडेट आया हुआ था, तो यहाँ पर 2019 ये आपको अपडेट्स हो चुका है। ये पहले अक्टूबर का था, अब यहाँ पर नवंबर, क्योंकि नवंबर का अपडेट्स आया हुआ है, तो यहाँ पर नवंबर का अपडेट्स हो चुका है 5 तारीख का। तो इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जो स्टेटस वगैरह और चेक करना है, जो भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर आकर अपने जो मोबाइल है उसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाती है कि वो कौन सा वर्जन है क्या है। तो यहाँ पर आपको अबाउट फ़ोन में यहाँ पर आप पूरी प्रॉपर देख सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आपको नीचे कमेंट का बॉक्स दिया गया है, तो वहाँ पर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने कमेंट्स को यहाँ पर लिख कर बता सकते हैं। और आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड कुछ और वीडियो बनाऊँ जो आपके काम में आए, तो आप उसको भी यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर बता सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।